सवाल करना शुरू करो और सवाल हम कर देते हैं अपने समाज से, वो भूमि जगह नहीं देता है, ये भी भक्त लोग बैठा होगा, कोई सवाल नहीं करता है कि आखिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद कैसे हो। देश की इकोनॉमी में, उसके शेयर मार्केट में मेरी हिस्सेदारी चाहिए, विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी चाहिए, जिसको देखो टिकट मांगने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये बात आरएसएस बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से समझता है, उसमें कोई भारत बंद नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है। नीतीश कुमार जी सोशल जस्टिस के चैंपियन है, 2016 में SC/ST का स्कॉलरशिप खत्म कर दी, उनको तो ओबीसी का लागू करना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था, फॉरेन स्कॉलरशिप लाना चाहिए था, तो ऐसे सोशल जस्टिस के लीडर होंगे। जिस समय अंबेडकर कह रहे थे 1932 में कि आप लोग अपने लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगो, आप कह रहे थे नहीं मुझे बट्टे चावल वाले में ही डालो, क्योंकि सबसे आसान तरीका था कि आप लड़के लाए और भी शेयर ले लेंगे। वो कह रहे थे कि अलग से मांगो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये लड़ाई उसी समय खत्म हो गई ना, लेकिन वहां जो स्थिति थी आज भी वही समझ। सबसे पहले वही समाज आगे बढ़ता है जो सबसे मोस्ट जो बैकवर्ड है उसकी लड़ाई लड़ता है। आप कह रहे हो मुझे ही दे दो, मुझे ही दे दो, ये इसके सीरियसनेस को समझिए। फ्री में आरक्षण मिला आपको, कोई आप सड़क पर कोई कुर्बानी हुई, कोई लड़ाई लड़े, वीपी सिंह, अर्जुन सिंह, उनका समाज तो उनको भूली क्या, हम भी भूल गए। ये ऐसा एहसान का मोस्ट समाज है। कितने लोग अर्जुन सिंह की जयंती मनाते हैं, हम सुनते मिलते थे जब एचआरडी मिनिस्टर थे लगातार कि सर ये वाला कीजिए, मनाते हैं। कोई कल्चर नहीं, संस्कार नहीं है, खाली नंबर से हम पूरा जीत लेंगे। सॉरी, भेड़ बकरी कभी शासक हुक्मरान नहीं होता है। हुक्मरान बनने के लिए यहां ब्राह्मण केंद्र बिंदु है, एक भाषण और पढ़ा हुआ है कि शिक्षा जरूरी नहीं है रूलिंग क्लास बनने के लिए, उच्च शिक्षा जरूरी है। कोई फोकस है, आप लोग प्रोफेसर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो, अपने बच्चों को क्या ऑक्सफोर्ड से PhD करवाओगे। गंभीर सवाल छोड़ रहा। दूसरा दो पॉइंट का मुझे लगता है टाइम हो गया, बता देगा भाई। क्या ओबीसी समाज में अभी खास सर्वे हुआ है, मैं बिहार से आता हूं, ठेठ बिहारी हूं, इतिहास पढ़ाता हूं, इतिहास पढ़ता हूं, दिल्ली में रहता हूं, और मुझे अपनी अस्मिता पे, हर तरह की अस्मिता पे गर्व है, हर तरह की अस्मिता। कास्ट सर्वे हुआ, सेंसस नहीं हुआ। अब देखिए हमारे समाज की अंडरस्टैंडिंग, सब जात का नंबर आ गया, सारी की दिलचस्पी यहां भी जितना बैठे हो ना, 70% की दिलचस्पी होगी हमको टिकटवा कैसे मिलेगा। राज्यसभा में भेज देंगे तो बोले हमारा तो 8% है, वो लोकसभा में दो बच्चे मिले। सारे की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ये जाति को मिला था रिप्रेजेंटेशन, जमात को, कम्युनिटी को मिला था। अगर जातियों के हिसाब से हम अगर सबको टिकट देने लगे तो अखिलेश जी के पास भी टिकट कम पड़ जाएगा, तेजस्वी यादव के पास भी कम पड़ जाएगा, राहुल गांधी के पास भी कम पड़ जाएगा, शायद बहन जी के पास कम नंबर है। यहां से दिल्ली से लेकर पटना तक संसद भवन बनवाना पड़ेगा। हमारा समाज ये क्यों नहीं समझता है कि एक कम्युनिटी का स्पेसिफिक राष्ट्र कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटी, मोस्ट कम्युनिटी, एक कैपेबल आदमी को हाउस में भेजी, एक सक्षम आदमी को भेजी जो वहां जाके आर्गुमेंट कर सके, आपके हितों की रक्षा कर सके, आपके बच्चों के स्कूल, उसको फ्यूचर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की रक्षा कर सके, ऐसे सब चाहते रहा कि हमको नेता बनाओ, तो क्या जरूरी है। प्रोफेसर भी कह रहा है कि हमको टिकट दो, अरे आप हिस्टोरियन बनो, कहां हिस्टोरियन है बताइए, कहां हिस्टोरियन है, अभी बताओ कितने हिस्टोरियन है, प्रोफेसर हिस्टोरियन कह रहा, कुंजी छाप नहीं, कितने सोशियोलॉजिस्ट, कितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये जो गैप है, अरे भाई हमारे ही भाषण सुना रहा। तो सबको समाज में ये भूख है कि हमें बिलियनर बनना है, देश की इकोनॉमी में, उसके शेयर मार्केट में मेरी हिस्सेदारी चाहिए, विश्वविद्यालय में हिस्सेदारी चाहिए, जिसको देखो टिकट मांगने के चक्कर में लगा हुआ है। और ये बात आरएसएस बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से समझता है,
बोला अच्छा नहीं किए समाजवादी पार्टी से, तुम्हें इधर हम दे देते तुरंत ओवरनाइट ही दसवें दल हो जाता है। और मैं समझता हूँ पॉलिटिकल क्लास को, खासकर हम लोग एक क्लास हमारे जो नेता है उनको एक थर्मामीटर रखना चाहिए कि वाकई सेकुलर है कि नहीं, ये पॉलिटिकल सेकुलर है। आरएसएस बीजेपी का आदमी लाके आप चुनाव लड़वा रहा हूं, उम्मीद करो ईमानदारी से कास्ट सेंसस और इसमें चर्चा सिंबोलिज्म सीखना है। अंतिम चलते चलते सिंबोलिज्म सीखना है। देखिए मैं सिर्फ लड़ता नहीं हूं, सीखता हूं, और एक छात्र का यही काम होता है। मैं डीए चार श्रीमाली का स्टूडेंट रहा, शाही जमीन का स्टूडेंट रहा, सुमित सरकार को सुना, तमाम बड़े स्कॉलर को सुना, 27 साल को पढ़ा भी चुका, एक चीज सिखाया सबको, क्वेश्चन एवरीथिंग, सवाल करना शुरू करो। और सवाल हम कर देते अपने समाज से वो भी मुझे गाली देता है, ये भी भक्त लोग बैठा हुआ है, कोई सवाल नहीं करता है कि आखिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन बर्बाद कैसे हो, आपके बच्चे जो है वो सब इलिटरेट अनपढ़ बनेंगे, और जो जो जितने ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उनको चंदा मिलता है ना, सरकारी बाबू लोग देता है, तो सरकारी बाबू लोग चंदा देने वाला क्लास ही खत्म हो जाएगा, लेते रहना ताली बजाते रहना, क्योंकि पीड़ा और दर्द हम जानते हैं। अगर मैं कुछ ना बोलू, सिर्फ कुछ नहीं बोलू तो मुझे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा बंगला में रह रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रहा है, और आम नेता से ज्यादा लोग हम लोग को जानते भी, क्या दिक्कत है। लेकिन ये पूरा पेन, इतना थ्रेट, इतना केसेस किसके लिए उठाया जाता है, मेरी जमीन की लड़ाई है, सूरज जी की जमीन की लड़ाई है, वो जमीन की लड़ाई में सुन जाता हूं बाहर, ये कब आप समझेंगे। जिस समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास की प्लान हत्या हो रही है और उस समाज उस पर चुप मौन रहे, रूलिंग क्लास मौन रहे, जब मेरी गिरफ्तारी होती है दिग्विजय सिंह का पहला ट्वीट आता है, हमारे दलित नेता सब बैठ के लुटियन जोन में एसी में रहने की आदत है, खा के एकदम आराम से भात मछली खा के सुझा कि आप सिंबोलिज्म सीखिए आरएसएस। शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 7.5% है, और कोई हलचल नहीं हुआ उनके समाज में, कोई ब्राह्मण ठाकुर कायस्थ बनिया हलचल नहीं किया, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल सीएम बन गया, ओडिशा में ट्राइबल सीएम बन गया, झारखंड में हेमंत सोरेन अपने बल पे सीएम है, कितने सीएम है, 3, और नॉर्थ ईस्ट का तो मान लो सब उधर ट्राइबल ही ज्यादातर, मैं ज्यादा नहीं जानता, तो उसको पता है रूलिंग एलीट है, क्लास है, उसको पता है किसको पीसी बनना है, किसको शेयर मार्केट में लाख करोड़ रुपया इधर से उधर करना है, किसको क्या करना है, तो नेता किसी को बना दो एजेंडा हमारा चलेगा, और हमारे यहां सब कहता है हमको नेता। आज इस देश में एक भी दलित सीएम है, एक भी, एक नाम बताइए मुझे, एक भी दलित सीएम नहीं, क्योंकि इनको खाली पीएम बनने का चस्का लगा। कांचीराम जी ने उन्होंने बहुजन समाज, पॉलिटिकल बहुजन समाज बनाया, पॉलिटिकल बहुजन समाज कह रहा हूं, अभी समय रहता तो एक्सप्लेन भी करता, लेकिन उनकी विरासत जिन्होंने संभाला, उनकी विरासत जिन्होंने संभाला, उन्होंने गालीबाजों की, दलालों की और फ्रॉडों की फौज खड़ी कर दी, उनको सहमति, डिस्कोर्स करना, संवाद करना नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, राहुल सांपाल भी है ये कभी अंबेडकर ने एक लाइन भी कहीं लिखा हो पूरे राइटिंग्स में कि हम इस देश के बहुसंख्यक हैं, आप मुझे लेके दिखा देना, उस दिन मैं यहां दिल्ली छोड़ के चला, बोलो रिपीटेडली ही वाज राइटिंग, ही वाज सेइंग वी आर माइनॉरिटी इन नेशनल लाइफ। अरे दलित लोग भाप तो पापा लिया है, अब मना करो कि यार बार्गेनिंग करो, एजेंडा सेट करो, जैसे अंबेडकर करते थे, नहीं हम वो पीएम बनाओ, रात भर झाल बजाता है सपने में, एक भी सीएम नहीं है। नौजवानों जरा पढ़ो लिखो, जरा पढ़ोगे तो संवाद करो, दलित दलित से वो कांचीराम का विरासत सब लिया, बंगाली सीखा, किससे सीखा है, किस यूनिवर्सिटी में सीखा, जाइए आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाकर देखिए और फेसबुक पे, ये बहुजन समाज ये हुई गली बने, जिसको संवाद करना नहीं आता है, डायलॉग करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, और अगर सेंसर करा तो क्या हो जाएगा, आरएसएस बीजेपी सबको चमन्नी टिप, अठन्नी पकड़ा दी,
टेम्परामेंट अगर आपके अंदर नहीं है, आप खुद स्पेस एक दूसरे को आप नहीं दे सकते। इतने पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ दलित सीएम बनाया हूं पहले, लेकिन 5 साल कोई पूरा नहीं कर पा, एक्सेप्ट बहन जी उत्तर प्रदेश। तो इतने जगह चुनाव हो रहे हैं, मुसलमान का दलित का वोट सबको चाहिए, लेकिन दलित लीडर नहीं चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए, कहीं डिप्टी सीएम भी एक मुसलमान नहीं है, क्या बिरयानी खिलाओगे? तो इस क्यों सिर्फ वोट हमें एंड सारे राइट जा रहे हैं, नेता बहुत हो रहे हैं, आंदोलन बहुत हो रहे हैं, संगठन बहुत खुल रहे हैं, और सारे राइट्स ग्रेजुअली खत्म हो रहे हैं, उसमें कोई भारत बंद नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है। नीतीश कुमार जी सोशल जस्टिस के चैंपियन है, 2016 में SC/ST का स्कॉलरशिप खत्म कर दी, उनको तो OBC का लागू करना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था, फॉरेन स्कॉलरशिप लाना चाहिए था, तो ऐसे सोशल जस्टिस के लीडर होंगे। इधर जितन नाम लटकंपू लीडर, लटक लटक गए लड़का, कभी इधर कभी उधर, कह रहे हैं कि सब कटे टेंशन, एक दिन उनके साथ में मंच पे था, 2 मिनट बोले बोले हमारा खा गया हाँ बर्गर था खा गया। भले आप सीएम रहे, आप अपने समुदाय के लिए, आप अभी कैबिनेट मिनिस्टर, चुनौती हमारी अपने समुदाय के लिए एक इंग्लिश मीडियम 100 बच्चों का रेसिडेंशियल स्कूल दया में खोलो,